पार्वती पर गांव में शिवाय और नाविया नाम का एक युगल था। दोनों केले बेचते थे। उनके पास जो कुछ भी था उससे वो अपनी बेटी रक्षा को बड़े प्यार से पाल रहे थे। जब वो खाना खाने में आनाकानी करती थी तो वो बड़े लाड़ से उसे समझाती थी, रात को खाए बिना खाली पेट नहीं सोना चाहिए, कम से कम 2-3 कौर ही खा लो। अरे नहीं माँ, मेरा पेट भर गया है। तुमने 3 कौर भी नहीं खाए, ऐसे कैसे भर गया पेट? इस तरह मत बोलो, चलो अच्छा 3 कौर और। इस तरह नाविया ने रक्षा को खाना खिलाया। बाद में वे दोनों बिस्तर पर लेट गई। जब नाविया ने कहानी सुनाई तो रक्षा कुछ देर बाद सो गई। इस तरह वो दिन बीत गया। एक दिन दंपत्ति केले बेचने के बाद जब घर आए, रक्षा उस समय घर पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी शिवाई की बहन भवानी कपड़े भरे सूटकेस के साथ वहां आई और उनके घर में दाखिल हुई। कैसी हो बुआ? रक्षा को उसकी बुआ भवानी बहुत पसंद थी। जब वो बच्ची थी तो उसकी माँ नाविया से अधिक भवानी रक्षा के करीब थी। वो उसकी देखभाल करने के साथ साथ उसके साथ खेलती भी थी। वो उसे बताती थी कि कैसे बड़ों के साथ बात करनी है। इसी वजह से रक्षा को अपनी बुआ भवानी से बड़ा लगाव था। फिर भवानी की शादी हो गई। अब भवानी शादी के 1 साल बाद अपने भाई शिवाय के पास आई थी। तब उसके भाई ने उससे पूछा, क्या भवानी तुम अकेले आई हो, जीजा जी नहीं आए क्या? नहीं भाई, मेरी डिलीवरी होने वाली है, आपको परेशानी तो नहीं होगी ना? अरे कैसी परेशानी, हम करेंगे तुम्हारी देखभाल, हमारे पास जो कुछ भी है उसे हम तुम्हारे लिए व्यवस्था करेंगे हर चीज की। मैं इसी विश्वास के साथ आई थी। तुम चिंता मत करो बहन, हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें से हम तुमको भी परोसेंगे, इसमें और क्या करना है, तुम बिना किसी चिंता के आराम से रहो यहाँ। लेकिन भाई मुझे लगता है कि भाभी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया, इसलिए वो मुझसे बात भी नहीं कर रही, मुझे पीने के लिए पानी भी नहीं पूछा। ऐसा नहीं है भवानी, तुम अपने भाई से इतने दिनों बाद मिली हो इसलिए तुम दोनों की बात के बीच नहीं आए। हर बार जब आती हो तो तुम्हारी आरती उतार कर कान लाता है घर के अंदर। हाँ मेरे लिए तो आप भाभी नहीं, मेरी माँ है, अगर मैं आपको तंग ना करूं तो कैसे चलेगा? अच्छा तो तुम भले ही मुझे चिढ़ाती रहो, लेकिन मैं चिढ़ाऊं तो रोना नहीं। हम अस्पताल कब जाएंगे? थोड़ी देर बाद, आराम करने के बाद चलते हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, भाई और भाभी ने भवानी की जो गर्भवती थी अच्छी देखभाल की। एक दिन रक्षा भवानी को पास के एक पेड़ पर ले गए। उस पेड़ पर एक झूला झूल रहा था। बुआ आपको ये पेड़ याद है? मुझे सब कुछ याद है रक्षा, अब मैं भी तुम्हें झूला झुलाती, लेकिन मैं गर्भवती हूँ ना तो तुमको बिठाकर धक्का नहीं दे सकूंगी। ठीक है बुआ, कोई बात नहीं, बाहर बहुत गर्मी है, चलो अंदर चलें, तुम थोड़ी देर आराम करो। वे उस पेड़ के पास से घर के अंदर आ गई। फिर भवानी बिस्तर पर लेट गई और नाविया उसके पैरों की मालिश करने लगी। कुछ देर बाद भवानी सो जाती है। 2-3 घंटे बाद लू चलनी बंद हो गई। तब शिवाय और नाविया दोनों केले बेचने के लिए निकले। जब वे जा रहे थे एक कार का ब्रेक फेल हो गया और उस कार ने दोनों को टक्कर मार दी। दोनों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। रक्षा अनाथ हो गई। कितने दिन बीत गए हैं, कब तक रोती रहोगी तुम? रो मत, रो मत, भवानी उसे डांटती है और गुस्से में रक्षा को मारती भी है। तुम एक भी काम ठीक से नहीं कर रही हो, तुम कितना ही रोती रहो उसे क्या होगा, माँ बाप वापस आ जाएंगे क्या? अगर तुम उनके लिए बैठकर रोती रहोगी तो मेरी देखभाल कौन करेगा? मैं करूंगी तुम्हारी देखभाल बुआ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? जाओ जाओ और केले बेचो और कमाए हुए पैसों से मेरे लिए मटन लेकर आओ, जाओ। रक्षा बिना एक भी शब्द बोले केले के ठेले को ढकेलते हुए ले गई। केले, ताजा केले, आइए सब लोग लीजिए। वो केले का ठेला लेकर पूरे गांव में घूमती है। बहुत देर तक घूमने के बाद भी बस 2-3 लोगों ने केले खरीदे। वो उन पैसों को लेकर घर आई। भवानी दरवाजे पर थी। सारे के सारे केले ठेले पर यूं ही रखे हैं, किसी ने खरीदा या नहीं? बुआ खरीदे, लेकिन केवल 2-3 लोगों ने ही खरीदे। इसका मतलब है कि तुम सुबह से शाम तक बस घूमती रही और काम कुछ हुआ ही नहीं। हाँ बुआ, जबकि मैंने इतने जोर जोर से पुकारा कि ये ताजा केले हैं, इन्हें किसी ने नहीं खरीदा।
जब तुम्हारे माँ बाप बेचने जाते थे तो केले की पूरा ठेला खाली हो जाता था, लेकिन अब तुम जा रही हो तो केवल 2-3 दर्जन केले ही बिक रहे हैं, तो किसकी गलती है? हाँ, भवानी जो भी बोल रही थी रक्षा को बिल्कुल समझ नहीं आया। वो मासूम सी चुपचाप खड़ी रही। भगवानी अंदर चली गई। वो एक चम्मच लेकर आई जो गर्म था और दरवाजे पर आई। वो गर्म चम्मच उसने रक्षा को लगा दिया। रक्षा आंसुओं के साथ, नहीं बुआ, मुझे समझ चलो, मैं बहुत चिल्लाई थी, उन्हें नहीं खरीदा, मेरी गलती नहीं है बुआ, मेरी गलती नहीं है। मुझे अभी मटन खाना है, लेकर आओ। मैं नहीं जानती तुम इसे कैसे लाओगी, लेकिन लेकर आओ। बुआ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे लाऊंगी मटन? या तो तुम मटन लेकर आओगी या मैं तुम्हें इस गर्म चम्मच से जलाऊंगी। कुछ भी बोले बिना रक्षा अपने माता पिता की फोटो के पास आती है और उन्हें देखकर रोने लगती है। मेरी क्या गलती, मेरी क्या हालत होगी, आप दोनों ने मुझे कभी नहीं डराया, अब बुआ को मटन खाने का दिल कर रहा है, नहीं लाई तो वो मेरे हाथ को जला देगी, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं है। जब रक्षा रो रही थी और उदास थी, उस घर के एक कोने में एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन था। वो अचानक नीचे गिर गया और 2 टुकड़ों में टूट गया और कुछ 100 रुपए के नोट और सिक्के उसमें से निकले। उस आवाज को सुनकर भवानी दौड़ती हुई वहां आई। रक्षा पैसे गिन रही थी। भवानी ये देखकर बड़ी चतुराई से रक्षा से डांटते हुए कहने लगी, ए, ये सारे पैसे मेरे हैं, तुमने इस बिट्टी के बर्तन को क्यों तोड़ा? ये पैसे तुम्हारे नहीं है बुआ, मेरे पिता ने मरते समय मुझसे कहा था कि अगर मैं किसी खतरे में हूँ या कोई जरूरत पड़े तो इन पैसों का इस्तेमाल कर, और बताया था कि मिट्टी का बर्तन यहाँ रखा है। ठीक है, जो भी है तो है ना पैसे, अब जाओ और मटन लेकर आओ। रक्षा ने पैसे लिए और मटन लेने के लिए जा रही थी, तभी अचानक भवानी अंदर से, अरे रक्षा, मुझे दर्द हो रहा है, हे भगवान, हे भगवान, वो नीचे गिर गई और तड़पने लगी। रक्षा को पता नहीं था कि क्या करना है। भवानी जोर जोर से कराह रही थी, हे भगवान, ये कैसा दर्द है, मैं नहीं सहन कर पा रही, मुझे अस्पताल ले चलो। उन शब्दों को सुनकर रक्षा ने जाकर केला बेचने वाले ठेले पर रखे केलों को तुरंत घर के सामने रखा। फिर भवानी जो फर्श पर गिरी थी उसे बड़ी कोशिश करके गाड़ी पर लेटा दिया और गाड़ी को धक्का देकर आगे बढ़ने लगी। भवानी दर्द से पीड़ित थी। रक्षा धक्का देकर गाड़ी को अस्पताल लेकर पहुंची गई। वहां पहुंचते ही उस अस्पताल के डॉक्टर और नर्स ने मिलकर भवानी को अस्पताल के अंदर किया। 10 मिनट के बाद बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बच्चे को देखकर रक्षा और भवानी बहुत खुश थे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, उस लड़की को दो जो तुम्हें समय पर यहां ले आई। धन्यवाद के रूप में रक्षा को देखकर भवानी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। वो नलगुंडा गांव था। उस गांव में राधा और शिवाजी नाम के एक दंपत्ति रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था कीर्ति। वे बहुत गरीब थे। राधा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो घर के काम भी नहीं कर पाती थी। बेटी कीर्ति ही सारे काम करती थी। ये देखकर उसकी माँ, पढ़ाई की उम्र में मेरी बेटी घर का काम कर रही है, दुश्मन को भी इस स्थिति में नहीं होना चाहिए, वो बहुत दुखी रहती थी। शिवाजी कड़ी मेहनत करता था और कमाए पैसों से अपना परिवार चला रहा था। जब ऐसा था तो शिवाजी को कुछ अज्ञात बीमारी हुई और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी और बेटी उसके मरने से एकदम अकेली और बेसहारा हो गई। दिन बीतने लगे, क्योंकि शिवाजी नहीं रहा उनका परिवार बहुत गरीब हो गया। उनके पास खाने को भी नहीं था, बेहद तकलीफ में जी रही थी। माँ, बहुत दिन हो गए, हमने पेट भर खाना भी नहीं खाया, मैं अब और नहीं सहन कर सकती, अगर हम ऐसे ही बने रहे तो मर जाएंगे, मुझे भूख लगी है माँ, वो रोती है। माँ उसकी बात सुनकर बहुत दुखी हुई। मैं क्या करूं बेटी, मैं काम नहीं कर सकती, और तुमको कहीं काम करने के लिए भेजने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं, बाहर जमाना बहुत खराब है मेरी भोली गुड़िया, क्या करूं समझ नहीं आता। तो फिर क्या, हमें भूखा मरना होगा? चिंता मत करो बेटी, हम बाहर चलते हैं,
मैं दूसरों से भीख मांगकर भी तुम्हारी भूख मिटाऊंगी। कीर्ति भूखी थी, इसीलिए वो अपनी माँ के साथ बाहर चली गई। वहां लोगों से, सर कृपया कुछ खाने को दे दे, आपका भला होगा। इस तरह उन्होंने वहां से गुजर रहे सभी लोगों से कहा, लेकिन सब उन पर ध्यान दिए बिना वहां से चले गए। धूप में वो माँ और बेटी इधर उधर भटकती हैं। उसी समय उन्होंने देखा कि एक महिला कुछ खा रही है। माँ और बेटी दोनों उसके पास गए। मीम साहब, बहुत दिन हो गए, हमने खाना खाया नहीं है, खाने के लिए कुछ हो तो दे दीजिए। वो महिला एकदम से बहुत चिढ़ गई। हे भगवान, ये भिखारन कहां से आ गई, वे हमें ठीक तरह से खाने भी नहीं देती। तुम्हारे पैर और हाथ तो बढ़िया है, इस तरह सड़कों पर भीख मांगने की बजाय तुम काम क्यों नहीं करती और पैसा क्यों नहीं कमाती? ये भीख मांगना क्या अच्छी बात है? मैं सिर्फ स्वस्थ दिख रही हूँ, लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं कुछ भी कर सकने लायक नहीं हूँ। और मेरी बेटी अगर बाहर जाए, हे भगवान, इंसान जानवरों की तरह है। इस तरह वो उदास हो गई। तब वो महिला, जाओ जाओ, यहां मत बात बनाओ, चलो जाओ, वो चिढ़ गई। वो माँ और बेटी वहां से चली गई। वे दोनों एक जगह पर बैठी, माँ बेटी के साथ। बेटी, मेरा सब्र अब खत्म हो गया है, मैं अब नहीं चल सकती, बहुत प्यास लगी है। माँ, पास में पानी भी नहीं है, मैं किसी से भी पानी मांगूंगी और आपके लिए लाऊंगी। वो पानी लाने के लिए वहां से चली गई। दुख से माँ कहती रही, प्यास प्यास, और मर गई। थोड़ी देर बाद कीर्ति पानी लाई, लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। उसे देखकर, माँ उठो, एक बार उठो, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आई हूँ। हे भगवान, क्या तुमने मेरी माँ को भी मुझसे छीन लिया? तुमने मुझे अकेला कर दिया। माँ उठो उठो, माँ नहीं नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ। वो जोर जोर से रोती है। अचानक कीर्ति का दिल धड़कना भी बंद हो गया और उसकी मृत्यु हो गई।